अपने काम से घर लौट रही एक महिला का पर्स छीनने का मामला सामने आया है। सोलन के जौनजी रोड पर घर लौट रही एक महिला को अकेला पाकर एक अज्ञात युवक ने उसका पर्स छीन लिया। महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन अंधेरा व सुनसान इलाका होने के कारण उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाया। इसके बाद मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि इस क्षेत्र में अक्सर नशेड़ी युवक बैठे रहते हैं। सुनसान इलाका होने के कारण महिलाओं का यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस क्षेत्र में गश्त कर उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। कैसे और मैं घर को सैलरी लेकर घर जा रही थी, तो उस वक्त एक लड़का पीछे से आया और हाइट होगी उसकी 6 फुट के करीब कम से कम, आया धीरे तबे पाँव और एकदम से पर्स बैग और पर्स दोनों पकड़ करके खींचने लगा। तो 1-2 मिनट तक तो मैं पर्स को पकड़ करके मैं चीखती चिल्लाती रही, पर कोई हेल्प के लिए वहां नहीं आया, जबकि वहां थोड़ी दूर पर बिहारी वगैरह थे और लोग भी। जब वो छीन करके भाग गया पर्स, उसके बाद लोग वहां पहुंचे। वहाँ एक तो अंधेरा रहता है कॉर्नर पे जाकर के, वहाँ नशेड़ी और लड़कियां वगैरह रात को शाम होते ही बैठ जाते हैं जाकर के, वहाँ पर बड़ा खतरा रहता है। गाड़ियों वालों से भी हमें डर रहता है क्योंकि लाइट भी नहीं होती, ना हमें कोई दिखाई देता अगर कोई अंधेरे में खड़ा हो, नहीं तो हर रोज जाना होता है अंधेरे में। ऐसी जो ये घटना हुई है तो इससे तो हम लोग को बहुत डर गए हैं, वहाँ के सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। महिला सुरक्षा की जो बात की जाती है, मुझे नहीं लगता कि कोई महिला सुरक्षा कोई दी जा रही है। यहाँ अपने ही लोग हमारी हेल्प करने के लिए खड़े नहीं होते हैं, वहाँ पास में सिर्फ कोई खड़ा नहीं हुआ करके, और हम कैसे मान लेंगे हम सुरक्षित हैं। और पूरी मेरी महीने की एक सैलरी चली गई है, जो मैं बताऊंगी मैं घर कैसे चलाऊंगी। ऊपर से कुछ और पैसे, मेरी घर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी बेटी बीमार है, मैं कहाँ से क्या करूंगी बताऊँ।